डियर स्टूडेंट्स इस मॉड्यूल में हम क्लास बायलिया शेल और उसके एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे क्लास बायलिया जो है मुलस्का की लार्जेस्ट क्लास लार्जेस्ट सेकेंड क्लास है इसके अंदर थर्टी थाउजेंड स्पीशीज़ जो हैं वो मौजूद है और इस क्लास के अंदर काम्स ओयस्टर्स स्कैल्पस मसल्स ये इम्पोर्टेंट एनिमल्स हैं जिनको डिस्क्राइब किया जाएगा फिर इसके अंदर मेंटल और बाइबल इसका क्यों नाम है कि शेल जो है दिस विल कंसिस्ट ऑफ टू हाफ्स राइट एंड लेफ्ट और शेल जो है नॉर्मली दिस इज़ लेटरली कंप्रेस्ड ज़्यादातर बाइबल्स जो हैं इनको बतौर ख़ुराक भी इस्तेमाल किया जाता है और कुछ के अंदर पर्ल्स जो हैं वो भी बनते हैं तो पर्ल इंडस्ट्री की फॉर्मेशन में बाइबल एनिमल्स का इम्पॉर्टेंट किरदार है क्योंकि ज़्यादातर बाइबल्व जो हैं वो फिल्टर फीडर हैं दे आर वैल्यूएबल इन रिमूविंग बैक्टीरिया फ्रॉम द पोल्यूटेड वाटर फिर उसके अंदर शेल और एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स क्या हैं इसके अंदर टू कन्वेक्स हाफ्स हैं शेल के जिनको हम कहेंगे वाल्व्स। और डॉर्सल साइड पे और वेंट्रल साइड पे डॉर्सल साइड पे जो वाल्व होगा उसको हम कहेंगे डॉर्सल शेल वेंट्रल शेल और इसके अंदर टंग मौजूद है ग्रूफ मौजूद है शेल की मॉडिफिकेशन के लिए डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, जिनके अंदर टीथ भी होंगे टीथ भी शेल के अंदर मौजूद होंगे फिर इसके अंदर ये जो है दे विल प्रिवेंट द एनिमल फ्राम द ट्विस्टिंग अब शेल जो है उसके ऊपर एक प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर है जिसको हम कहेंगे अम्बो अम्बो जो है शेल का ओल्डेस्ट पार्ट है उससे हम और उसके बाद शेल हैं अंबों के बाद हम शेल लाइन से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस एनिमल की उम्र जो है वो क्या होगी और इसमें बाइवल्स जो हैं एम्ब्रियोलॉजिकली टू शेल हाफ्स होंगे और बेसिकली जब दोनों शेल हाफ एक दूसरे के साथ क्लिंग करेंगे दे विल लुक लाइक अ सिंगल स्ट्रक्चर अब शेल जो है दिस इज़ कंटिन्यूस अलोंग द डॉर्सल मार्जिन बट द मेंटल और जो शेल दोनों शेल के राइट और लेफ्ट हाफ को जो स्ट्रक्चर कनेक्ट करेगा उसको हम कहेंगे हिंग इसको आप ऐसे ही समझ लें जिस तरह से एक जो डोर है जब दीवार के साथ अटैच होता है उसके साथ स्ट्रक्चर हिंगी हिंगज जो मौजूद होते हैं इसी तरह के इन दो शेल्स को भी जो स्ट्रक्चर कनेक्ट करेगा उसको हम कहेंगे हिंग और इसमें शेल की प्रोटीनियस कैल्शियम कार्बोनेट उन से है अब इसके अंदर जो हिंग लिगामेंट है दैट इज़ नॉर्मली इलास्टिक इलास्टिक होगा तो दोनों शेल वाल्स को एक दूसरे के साथ ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करेंगे अब इसकी इलास्टिसिटी जो है वो इन के अंदर जो मसल्स हैं उनको रिलैक्स होने के लिए भी इम्पोर्टेंट वे जो है वो प्रोवाइड करता है अब जो शेल के अंदर मसल्स हैं उनको हम कहेंगे अडक्टर मसल्स अडाक्टर मसल्स जो हैं दे आर एट इधर एंड ऑफ द डॉर्सल हाफ ऑफ शेल और ये अडाक्टर मसल्स जो हैं जब शेल के दोनों हाफ़ क्लोज हो जाएंगे ये दोनों अडक्टर मसल्स एक दूसरे पे ऊपर आके अटैच कर देंगे अब कोई भी जो इन शेल के दोनों हाफ्स को ओपन करने की कोशिश करेगा तो उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये अडक्टर मसल्स कितने अफेक्टिव हैं कि ये दोनों शेल के पार्ट्स को एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रखते अब इम्पॉर्टेंस इसकी क्या है कि ये शेल हाफ जो हैं शेल के इम्पॉर्टेंट हैं बॉडी के सॉफ्ट स्ट्रक्चर इनके अंदर मौजूद हैं ये डिफेंस में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इसके अलावा जो शेल हैं इसके अडक्टर मसल्स शेल मार्जिन में इनको अटैचमेंट में भी हेल्प कर रहे हैं अब इसके अंदर सम होता है कि कोई सैंड ग्रेन अगर शेल के अंदर चला जाता है तो उसमें फिर जो इसका पार्ट मेंटल है मेंटर नॉर्मली सिक्रीट आर नकरी अराउंड द सेंड ग्रेन और उस नेक्री से ही फिर पर्ल फॉर्मेशन का आगाज हो जाएगा और जो पैसिफिक ओस्टर लाइक पिंक डेडिया और ये जो हैं दे आर नॉर्मली कंसिडर्ड टू बी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर पर्ल फॉर्मेशन अब इस डायग्राम से आप देखें दिस इज़ यूजली अम्बो द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ द शेल दिस इज़ एंटीरियर पार्ट दिस इज़ पोस्टीरियर पार्ट अब इसके अंदर ये जो लाइन ऑफ मैंटल अटैचमेंट है ये इसके मसल स्केयर्स हैं ये वेंट्रल एंड है और ये लाइन ऑफ मैंटल अटैचमेंट है दिज आर दर मसल्स अब ये दोनों मसल्स इन दोनों शेल हाफ को एक दूसरे के साथ जोड़े रखेंगे जब हम लेकिन शेल हाफ को अलग करेंगे तो इन मसल्स के हमें स्केयर्स नजर आएंगे तो दिस इज एन एक्सीलेंट डाइग्राम showing the inside view of bivalve shell the shell and its associated structures they are usually well represented in this diagram